नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ घनश्याम कौशिक। तो आज हम बात करने वाले हैं मीडिया की एक और बेशर्मी की। हम आपको वक्त वक्त पर वो सब कुछ बताते रहते हैं जिसके तहत आपको ये पता चले कि मीडिया किस तरह से आपके सामने खबरों को तोड़ मरोड़ कर या फिर कुछ इस तरह से पेश करती है जिससे कि जो असल सच्चाई है उस खबर की वो सबके सामने नहीं आ पाती, या वो जो छुपाना चाहते हैं मीडिया के अंदर बैठे लोग वो छुपा पाते हैं और जो वो आपको दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जब उपचुनाव के अंदर बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश में, तो कैसे बीजेपी की हार को सीधा मोदी से नहीं जोड़ा। अक्सर ये देखा जाता है कि जब बीजेपी कहीं जीतती है तो नरेंद्र मोदी के चेहरे की जीत उसे बताया जाता है और मोदी लहर में उस जीत को बहा दिया जाता है, लेकिन जब बीजेपी कहीं हारती है तो उसको मोदी के नाम से ना जोड़कर कितनी शातिराना तरीके से, कितने चतुराई से मीडिया एक बेशर्मी पर उतर आती है और खबरों को अलग तरीके से पेश करती है। आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, इस स्क्रीन में आपको अलग अलग हम स्क्रीनशॉट्स दिखाएंगे जिसमें आपको मीडिया की चतुराई के बारे में पता चलेगा, या यूं कहें कि मीडिया की बेशर्मी के बारे में पता चलेगा, कैसे वो देश के लोगों को बेवकूफ बनाती है, या यूं कहें कि न्यूज चैनल में बैठे लोग, अखबारों में बैठे लोग देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं अपनी कलम से या फिर अपने टीवी चैनल की स्क्रीन से। ये देखिए आपके सामने फुल स्क्रीन, इसमें आप एक खबर का स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। इसमें आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में निगम चुनाव हुए थे, निगम चुनाव बड़े छोटे से चुनाव होते हैं और उसमें पार्षदों के चुनाव होते हैं, नगर पंचायत के चुनाव होते हैं। वहां पर ठीक गुजरात चुनाव से पहले जब चुनाव हुए थे और बीजेपी जीती थी तो कैसे उसे नरेंद्र मोदी की जीत करार दिया गया था, कैसे ये बताया गया था कि नहीं ये तो नमो की जीत है, नमो लहर की जीत है। आप देखिए अलीगढ़ नगर निगम इलेक्शंस 2017 रिजल्ट्स विनर लिस्ट, और उसमें ऊपर फोटो देखिए आप, इस फोटो से आपको समझ में आ जाएगा जिसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी का चेहरा, चूंकि बीजेपी जीती थी, बीएसपी की तरफ से उनकी प्रमुख मायावती और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव। लेकिन अब आप ये कल की स्क्रीन देखिए, आज तक की, इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये यहां पर आज तक की एंकर है अंजना उमकर्षप, जिनका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था कल, क्योंकि इन्हें मोदी भक्त या बीजेपी भक्त के तौर पर स्क्रीन पर जाना जाता है, लटकाए चेहरे के साथ एंकरिंग कर रही थी। और आज तक का जो क्रोमा बैकग्राउंड आप देख रहे हैं उसमें कहीं पर भी मोदी का चेहरा तक इस्तेमाल नहीं किया है आज तक ने, बड़े ही शातिराना तरीके से। इसमें लिखा गठबंधन हिट बीजेपी चित, मोदी चित नहीं बीजेपी चित, और जब जीत जाए तो उसमें मोदी हिट, या मोदी लहर में बीजेपी को जीत मिली, या मोदी लहर बरकरार, या मोदी लहर में विपक्षी बहे, इस तरह की टैगलाइन के साथ ये मीडिया चलाती है। लेकिन कल बड़े शातिराना तरीके से और बड़े एक यूं कहें कि मीडिया की साजिश की तरह इन्होंने ये पेश किया जिसमें मोदी का चेहरा तक इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद ये दैनिक जागरण का फ्रंट पेज हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो दैनिक जागरण का दिल्ली संस्करण है ये, इसके फ्रंट पेज पर जो लीड खबर है उसमें देखिए आप, बुआ बबुआ का कमाल और भाजपा निढाल। मतलब यहां ना मोदी का नाम है, ना मोदी का चेहरा है, कहीं पर भी पूरी खबर के अंदर आपको मोदी का नाम और चेहरा नजर नहीं आएगा। ये बड़े शातिराना तरीके से ये जब बीजेपी हारती है तो मोदी को छुपा लिया जाता है और जब जीतती है तो मोदी लहर का नाम दे दिया जाता है। ये दैनिक जागरण जो कि बीजेपी के पक्ष में खबरें दिखाने के लिए जाना जाता है, दूसरा अखबार जो बीजेपी के पक्ष में खबरें दिखाता है छापता है वो है हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान का डेली एडिशन, जिसमें आप इसकी भी लीड न्यूज देखिए, जो फ्रंट पेज की लीड खबर है उसमें लिखा हुआ है उपचुनाव में भाजपा तीनों सीटों पर हारी। यहां पर भी बीजेपी का नाम इस्तेमाल कर दिया, मतलब यहां पर भी उन्होंने मोदी का ना नाम इस्तेमाल किया ना चेहरा इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो शातिराना तरीका है बीजेपी का वो, और खासकर बीजेपी के साथ मिलकर इस मीडिया का, वो जब बीजेपी हारती है तो मोदी को छुपा लिया जाता है और जब कहीं बीजेपी जीतती है तो उसे मोदी लहर और
मोदी वेव और मोदी का मैजिक, तो इस तरह के नाम के साथ खबरों को पेश किया जाता है। एक और स्क्रीन आपको दिखाते हैं, ये महाशय है अर्णव गोस्वामी, ये रिपब्लिक टीवी के एंकर और आप कहें कि मुखिया है, रिपब्लिक टीवी को चलाने वाले हैं और इन्हें मोदी भक्त एंकर या मोदी भक्त पत्रकार के तौर पर जाना जाता है। इनका चेहरा भी कल उतरा हुआ था, ये कल के बुलेटिन के अंदर से स्क्रीनशॉट लिया गया है जिसमें आप अर्णव गोस्वामी का उतरा हुआ चेहरा साफ तौर पर देख सकते हैं। इनको दरअसल अच्छा नहीं लग रहा था बीजेपी हारी और इनके लिए संकट ये खड़ा हो जाता है कि फिर ये खबरों को पेश कैसे करें। और इसके अलावा हमने आपको बताया कि आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और जो दूसरे मीडिया के अंदर एंकर्स हैं जिसमें सुधीर चौधरी का नाम भी आता है, जी न्यूज के जो एंकर है और चीफ है, वो भी बड़े संकट में नजर आए कल। और ऐसी स्थिति में देखिए कितनी चतुराई के साथ मीडिया फिर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, कोई दाऊद का इस्तेमाल करता है, दाऊद के ऊपर कोई स्पेशल स्टोरी लेकर आता है ताकि उनको मीडिया में आकर अपनी मतलब जो प्राइम टाइम बुलेटिन उनके होते हैं उसके ऊपर खबरें ना दिखानी पड़े कि मोदी हार गए या बीजेपी हार गई। तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, आराम से दाऊद का इस्तेमाल करते हैं, नीरव मोदी का इस्तेमाल कर लेंगे और कुछ नहीं मिला तो, और नहीं तो कुछ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ले आएंगे और या फिर कोई ऐसी स्टोरी जिसका जिससे कि बीजेपी के ऊपर हिट ना हो, तो इस तरह की स्टोरीज का इस्तेमाल करते हैं ये प्राइम टाइम में ताकि इनको बीजेपी की हार ना दिखानी पड़े, मोदी की हार ना दिखानी पड़े। तो कितनी चतुराई के साथ ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं उसका एक नमूना आपके सामने पेश किया जिसमें प्रिंट मीडिया भी शामिल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल होता है और जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। इस मीडिया को पहचानिए, यहां बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से मोदी भक्ति का चोला ओढ़े हुए हैं और आपके सामने न सही खबर पेश करते हैं और न ही सही एंगल आपको दिखाते हैं, सिवाय झूठ के वो पूरे दिन कुछ नहीं परोसते। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।